what to expect in the Akashic record? कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, तभी बहुत सारा नॉलेज मिलेगा. दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, जस्ट गो. आपका इंटेंशन क्लियर हो एंड उस इंटेंशन को क्वेश्चन करना है, डिकोडिंग करना है. या अगर आपको इंटेंशन भी अभी नहीं सेट करना है, जस्ट यू वॉन्ट टू हैव दैट एक्सपीरियंस, तो सिर्फ उस बुक की एक्सपीरियंस लेते हुए आना. देन यू विल एक्सपीरियंस मोर. जब कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहता ना, तो जिंदगी में मजे बहुत आते हैं. अगर मैं ये बोलूं कि मैं आऊंगी और ये चीज सेट होनी चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो मूड खराब हो जाता है, राइट? तो इसलिए विदाउट एक्सपेक्टेशन इफ यू गो, यू विल एंजॉय मोर. यू मे रिसीव नथिंग. There is no thinking. Information will just come. It will just flow through you. Kabhi kabar goosebumps aa jaate hain. Kabhi kabar you feel the chillness in your body. Kabhi kabar heat aata hai. Kabhi kabar you feel as if aise aise whirling ho rahi ho. Kabhi kabar you feel, achha main thoda uth ke paani pee lu. There are different experiences. According to our body's nourishing. Jaise hamare body ko humne nourish kiya, us hisab se एक्सपीरियंसेस होगा. कभी कभार लगता है कि इतना हाई वोल्टेज लाइट आ रहा है हमारे ऊपर. हाँ, तो दीज आर एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड वी कैन एक्सेस एवरीथिंग. कुछ भी वी कैन एक्सेस. कल मैंने क्या किया, ओपन द पेज एंड देन सी. अच्छा, मेरी मीटिंग बॉस के साथ कैसे जाएगी कल, ओपन द पेज एंड देन सी. अगर लग रहा है कि बॉस का लाल वाला चेहरा आ रहा है, तो हीलिंग करो उधर ही और उसको कोल्ड बना दो, विच आई डू. ओके, जो आज भी मुझे लगा था मेरा बॉस बहुत मेरे पे चिल्लाएगा, बट देन द होल सिनेरियो चेंज एंड देन We had a good time actually. इतना हेवी वाला सर जो है, सर ने बिल्कुल ठंडा कर दिया. अच्छा संगीता, ये करना बस. थैंक यू सर. सो इट हैपेंस. अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग अबाउट योर सोल दैट यू आर क्यूरियस अबाउट, एंड द अमेजिंग थिंग अबाउट इट दैट यू डोंट हैव टू बी कोई किसी. हम सब में इंट्यूशन है, कोई गॉड पावर की जरूरत नहीं है यहाँ पे. हवा, ये व्हाट यू कॉल दैट, क्रियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज, ये सब जैसे करके तंत्र मंत्र, ये सब किसी की जरूरत नहीं है. नॉर्मल सी चीज है ये. इट्स अ वेरी हाई वाइब्रेशनल थिंग, यस, बट हम सब ट्यून हो जाएंगे उसमें. इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग. इंट्यूशन जो है हम सबको आता है, कोई मंबो जंबो नहीं है यहाँ पे. एनी वन कैन लर्न टू रीड अकाशिक रिकॉर्ड बिकॉज इट इज द हिस्ट्री ऑफ आवर सोल. इफ यू डोंट रिसीव एनी मैसेजेस व्हाइल रीडिंग अकाशिक रिकॉर्ड, डेवलप योर ट्रस्ट मसल. जैसे हम बिल्ड करते हैं ना बॉडी, वैसे ट्रस्ट मसल डेवलप करना है. हाँ, हम देखेंगे हमारा बुक, हाँ हमें मिलेगा. लेट गो ऑफ योर फियर. स्केप्टिज्म नहीं होना है. कोई ना प्री अजम्पशन सोच के मत जाना. जैसे मेरे पास एक केस आया था, आई डोंट नो कितने गज की जमीन थी, वो गवर्नमेंट ने पूरी उनके नाम कर ली, मतलब गवर्नमेंट ने हड़प ली. मेरे को भी याद नहीं है, 400 या पता नहीं कितने बड़ी जमीन थी, बहुत पुराना केस है. तो उनका ये है कि 25 साल से लड़ रहे हैं वो लॉसेस गवर्नमेंट से, और 25 साल से लड़ ही रहे हैं. आई वॉज लाइक, 25 साल से ये ग्रज आप अपने, मतलब मैंने उनको बोला नहीं, बट देन आई वॉज थिंकिंग 25 साल से ये ग्रज लेके चल रहे हैं कि मुझे ये जमीन मिले, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनकी पुश्तानी जमीन थी, तो वो मिलेगी 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 डेली मिलेगी मिलेगी. बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को क्या आंसर आया, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका हियरिंग था. मैं
मैं जब बैठी आई थॉट कि भाई भगवान थोड़ा तो रहम करेगा, कम से कम 400 गज नहीं तो कुछ तो गज उनके नाम करेगा, जो इतने 25 साल उन्होंने गुजारे अपने पूरे लाइफ के। आप देखिए ना कितना एनर्जी लगा है उधर, कितना टाइम लगा है, कितना पैसा लगा है, कितना प्लानिंग लगा है, कितने लॉयर को उन्होंने इन्वेस्ट किया, कितनी। और वो ऐसे है कि मेरे को वो पैसा मिलेगा तो मैं ये करूंगा करके पहले ही सोच लिया। दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड दैट मनी। जब हम सोच लेते हैं ना कि हमें इतना पैसा मिलेगा, अच्छा मैं ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा, यूनिवर्स में तो आपने पहले मैसेज दे दिया ना, खर्च कर दी वो पैसा वैसे ही। तो इट्स लाइक अच्छा तो मेरे को तो मिला ही नहीं फिर आंसर इनका। उन्होंने कहा आप आकाशिक में जाके हीलिंग कर देना। जब मेरे को आंसर ही नहीं मिला तो मैं हीलिंग क्या करूं। ओके फाइन, हीलिंग किया, उनका ट्रांसक्रिप्ट चेंज कर सकते, वो क्वेश्चन पूछा, फिर वो क्वेश्चन के लिए भी मना आ गया। जब ये ऐसे मना वाला चीज आता है देन वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग, क्योंकि वो उनके कर्मा के विरुद्ध होगा या उनके डिवाइन प्लान के विरुद्ध होगा जो उनको चलना है। ये उनका सोल का जर्नी है, ये उनका लेसन है कि उनको जो है ये लैंड का जो व्हाट यू कॉल सुख वो नहीं है, नहीं है, क्या करें। सो दे हैव टू एक्सेप्ट इट। ना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे वो उनके लिए अच्छा है। सो देन द काउंसलिंग कम्स, बिकॉज नाउ वी ऑल आर लर्निंग हियर, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस। नहीं भी आ सकता है आज हमारे लिए देख रहे हैं, बट जब आप प्रोफेशनली ये सब चीजें करोगे तो कभी कभार सामने वाले का नहीं आ सकता है, तो आप उनको काउंसलिंग कीजिए। नॉट नेसेसरी सब कुछ हैप्पी 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 मिलेगा आपको, कभी कभार ऐसी भी चीजें मिलेंगी। तो इट्स बेटर टू डेवलप देयर मसल इन अ वेरी पॉजिटिव वे। हम तो बोल सकते हैं आगे उनकी मर्जी है वेदर दे आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट और नो, एंड उसके बाद हियरिंग आई और उसके बाद मना हो गया कि कुछ नहीं मिलेगा उनको। सो इट इट कैन हैपन टू एनीबडी कि नहीं भी आ सकता है। एनी स्मॉल सिंपल सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट थिंग यू रिसीव इज अ मैसेज। मैसेज का मतलब ये नहीं है कि, क्योंकि क्या है ना वहां का लैंग्वेज बड़े डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी बोल रही हूँ तो ऊपर वाला भी हिंदी बोलेगा, है ना। तो वहां का लैंग्वेज हर एंजल अलग बोलते हैं, हर एंजल सिंबल से भी बोल सकते हैं, साउंड से भी बोल सकते हैं, कलर्स भी दिखा सकते हैं, कोई नंबर भी दिखा सकते हैं या कोई लाइटनिंग भी दिखा सकते हैं। कौन सा देवता आपको क्या दिखाएगा पता नहीं, तो वो सब आपने नोट करना है एंड देन वो सब आपने अपने डायरी में भी लिखना है, क्योंकि वो सब मैसेज है हमारे लिए। उसके बाद क्या होता है वो ड्यूरिंग द लाइफ जर्नी हमें वो महसूस होगा, अच्छा उस दिन ये हुआ था, ये रिफ्लेक्ट हुआ था, तो उसका आंसर ये है। ऐसा डिकोडिंग होता है कभी कभार। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, किसी को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। वर्क विथ इन योर इनर वॉइस, इनर वॉइस पे ज्यादा काम। आज क्या हुआ, हाँ आज मेरी बेटी, छोटी बेटी निहारिका, शी इज इन 8th स्टैंडर्ड। मैम का सुबह फोन आया कि उसके पास फोन है, मोबाइल लेके गई थी आज। तो मैंने जब मैम से बोला, मैंने कहा सॉरी मैं आके ले लूंगी एंड मैं उसको बोल दूंगी कि जो भी उसने किया है दिस इज नॉट करेक्ट, फाइन मैटर एंड हो गया, अभी मैं कल जाऊंगी फोन लेने स्कूल में। बट वॉट शी टोल्ड मी, मैं फिर फोन में उससे बात किया तो शी टोल्ड मी, मम्मा मेरे को ना सुबह ही आया था कि मुझे फोन आज नहीं ले जाना चाहिए, बट मैंने सुना नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं सुना आपने, आपका इनर वॉइस तो बोल रहा था ना, तो आपको तो सुनना चाहिए ना, मम्मा तो वही बोलती है कि कम से कम इनर वॉइस तो सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ठीक है जो किया वो गलत है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट देन इनर वॉइस तो कभी भी मत दबाना, कभी भी मत दबाना, वरना वो आना बंद हो जाएगा। बिकॉज दैट इज योर गाइडेंस, दैट इज योर इंट्यूशन, दैट इज योर
यू नो इट्स लाइक होल्डिंग आवर हैंड और फिर चलो हम तुम्हें अपना रास्ता दिखाते हैं. तो इनर वॉइस को कभी भी मत दबाना. यू नो मोर देन यू थिंक यू डू ओवर टाइम. कीप ओपनिंग द रिकॉर्ड्स. आप जब भी चाहे खोल सकते हो और आप लिखते रह सकते हो उसको, क्योंकि ये आपका खुद का रिकॉर्ड है. ओपनिंग द रिकॉर्ड्स, राइटिंग डाउन योर ओन मैसेजेस इन योर लाइफ, कम्युनिकेट विथ योर इंट्यूशन, जर्नलिंग कर सकते हो आप पूरा, ड्रॉइंग, कभी कभार में ड्रॉइंग भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हमें लिखना नहीं आएगा तो वो चीज का शेप आप ड्रॉ करके रख सकते हो, या आपने जो सिंबल देखा वो सिंबल ड्रॉ करके रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे डिफरेंट मोडालिटीज भी प्रैक्टिस करते हैं, तो डिफरेंट मोडालिटीज का सिंबल्स भी दिख सकता है, या आप जो क्रिस्टल या कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो वो दिख सकता है, तो वो सब आप नोट कर सकते हो. द मोर यू डेवलप अ क्लोज रिलेशनशिप विथ योर इनर वॉइस, द मोर मैसेजेस विल कम थ्रू यू ईजिली. जितना हम इनर वॉइस को बढ़ावा देंगे उतना आकाशिक वर्ल्ड में आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, बिकॉज वहां पे ऐसे लैंग्वेज नहीं होता ना, इनर वॉइस से ही लैंग्वेज होता है. इट्स लाइक थॉट टू थॉट, वो क्या सोच रहे हैं हमें क्या, ऐसे ट्रांसमिशन ऐसे होता है. द एनर्जी इन द आकाशिक रिकॉर्ड इज हीलिंग, मेडिटेटिव, अपलिफ्टिंग. If you feel any dark feelings while in the record or feel compelled to do something you wouldn't normally do, anxiety may be manifesting on a subconscious level. Kabhi kabhar dark energy or dark forces dikhte hain, to aapko darna nahi chahiye, anxious nahi hona chahiye, because you are shielded. Waise bhi शील्ड करके ही हम जाएंगे, सो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. द आकाशिक रिकॉर्ड इज ऑलवेज अ लविंग प्लेस वेयर यू कैन रीकनेक्ट विद जॉयफुल सोयफुल एसेंस ऑफ योर. आप अपने हाईएस्ट लेवल वाइब्रेशन से जा रहे हो, आप ही का वाइब्रेशन है वो. इट्स जस्ट हम इधर पैदा हुए तो हम भूल गए, राइट. एक ना फिल्म है एस्ट्रल सिटी, स्पैनिश में है, मैंने बहुत साल पहले देखी थी आश्रम में मेरे, बट इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म. वो है एस्ट्रल आकाशिक वर्ल्ड एक्चुअली. ऑन रिलैक्सिंग, मेडिटेटिंग, ग्राउंडिंग बिफोर ओपनिंग द रिकॉर्ड्स, ये सब हम करेंगे. आई ऑल्सो रिकमेंड अनब्लॉकिंग सबकॉन्शियस एंग्स, ये सब मैं कराऊंगी, एंड डूइंग शेडो वर्क, फाइन, ये सब मैं कराऊंगी बाद में, ये सब मेरा काम है. Oh, oh, oh.